अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। ये कुरान गालिब व मेहरबान का नाजिल किया हुआ है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था खबरदार कर दो कि वो गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं और वो ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं, तो उनकी गर्दनें अकड़ी हुई हैं और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते। और तुम इनको खबरदार करो या ना करो, इनके लिए बराबर है, ये ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो सिर्फ उस शख्स को खबरदार कर सकते हो जो इस नसीहत यानी कुरान की पैरवी करे और रहमान से गायबाना डरे, सो उसको मगफिरत और बड़े सवाब की बिशारत सुना दो। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलम बंद कर लेते हैं, और हर चीज को हमने किताबे रोशन यानी लौहे महफूज में लिख रखा है। और इनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए, यानी जब हमने उनकी तरफ दो पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया, फिर हमने तीसरे से तकवीयत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और रहमान ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुँचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नवुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई? नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं, और मैं क्यों उस जात की परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है? क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके? तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, सो मेरी बात सुन रखो। हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला, काश मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे, वो तो सिर्फ एक चिंघार थी, सो वो उससे नागहां बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस कि उनके पास जब कोई पैगंबर आता तो वो उससे तमस्खुर जरूर करते, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था? अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी इनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने इसको जिंदा किया और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं, और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये इन बागों के फल खाएं, और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? वो जात पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद इनके और जिन चीजों की इनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। और एक निशानी इनके लिए रात है कि इस पर से हम दिन को खींच लेते हैं तो उसी वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है, और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये उस गालिब दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है, और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक के घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज ही से यह हो सकता है कि चांद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और एक निशानी इनके लिए ये है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और इनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं, और अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, फिर न तो इनका कोई फरियाद रस हो और न इनको रिहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इनके पास इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उससे मुंह फेर लेते हैं, और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो तो काफिर मोमिनों के मुतालिक कहती है कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता,
तुम तो खुली गुमराही में हो। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ये तो एक चिंगाड़ ही के मुंतजिर हैं जो इनको इस हाल में कि बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी। फिर न तो ये वसीयत ही कर सकेंगे और न अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और जिस वक्त सूर फूका जाएगा ये कब्रों से निकल कर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे हाय बर्बादी, हमें हमारी खाबगाहों से किसने जगह उठाया। ये वही तो है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबर उन्हें सच कहा था। वो तो सिर्फ एक जोर की आवाज होगी कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। फिर उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। अहले जन्नत उस रोज ऐश निशात के मशगले में खुश होंगे, वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहां उनके लिए मेवे होंगे और जो वो मंगवाएंगे उनको मिलेगा। उनको परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा और वो फरमाएगा कि गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ऐ आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे। यही वो जहन्नम है जिसके तुम्हें धमकी दी जाती थी। जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे इनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और इनके पांव इसकी गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहां से देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी जगह पर इनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से वो न आगे जा सकें और न पीछे लौट सकें। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे तकलीफ में औंधा देते हैं, यानी उसे बचपन की कमजोरी वाली हालत की तरफ लौटा देती, तो क्या ये समझते नहीं। और हमने इनको यानी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई नहीं सिखाई और न वो इनको शाया ही है। ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है, ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करे और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। क्या इन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने इनके लिए मवेशी पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं, और उनको इनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से इनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं, और उनमें इनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं, तो क्या ये शुक्र नहीं करते। और इन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना दिए हैं कि शायद उनसे इनको मदद पहुंचे, मगर वो इनकी मदद की हरगिज ताकत नहीं रखते और वो इनकी फौज बनाकर हाजिर किए जाएंगे। तो इनकी बातें तुम्हें गमनाक न कर दें। ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया, फिर वो तड़ाप पड़ाप झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो इनको कौन जिंदा करेगा। कह दो कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था और वो हर तरह की तकलीफ को जानता है, वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर आदिर नहीं कि इनको फिर वैसे ही पैदा कर दे, क्यों नहीं। और वो तो सब कुछ पैदा करने वाला कामिल इल्म वाला है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है और उसी की तरफ